श्री नमः नम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंधा अथ ष्ठोध्याय लक्ष्मी सरस्वती तथा गंगा का परस्पर वस, भारत वर्ष में पधारना नारायण उवाच सरस्वती तो वैकुंठे स्वयं नारा के नाराण गंगाचापेन कलहालया भारत सरीत पुण्यु्यू पुण्यतीर्थस्वी पुण्यवद्दीर्नस्या स्थिति पुण्यवता मुने तपस्वना तपोरूपा तपसा फलू कृतपेमदालायजद्न स्वरू ज्ञा सरस्वती तो ये मृता ये मानवा भुवि तथिश्च वैकुंठे सुचिरं मरसंसदि भारतीत स्ना त्र चलया मुच्यते शर्वपापेभ्यो वसे चीर चतरमास पौर्माक्षाया दिनक्षतिपाते च्रहणेन अनुसंगेण दिनेसंगेण स्ना हेतुना तो श्रद्धया सारूप्य लभते नून वैकुंठे सहरेर सरस्वती मनु त्र मासजपेत महामूर्खवींद्रश्चवना संशय नित्यं सरस्वतीतो ये यास्नायान्मुण्डयन्नरः न गर्भवासं कुरुते पुनरेव समानवः इत्येवं कथितं भारती गुणकीर्तनं सुखदं कामदं सारं भूया किं श्रोतुमिच्छसि सुत उवाच नारायणकवच नारायणवचा श्रुत्वा नारदो मुनिषत्तमः पुनापप्रक्षसन्देहमिमं सौ नखसत्वरं नारद उवाच कथम सरस्वती देवी गंगा चापेन भारत कलिया कलहे नभुव पुण्य सरत श्रवणे श्रुतिसाराण वर्धते कौतुक मम कथातेन मे तृप्ति के श्रेयसी तृप्यते कथम चाप सा गंगा पूजिता पुण्यदुभदा सदा तेजस्विनोवाद कारण श्रुति सुंदर सुदुर्लभ पुराणेशु व्याख्यामर्हसी श्री श्रीनाराण उच श्रृण्णारदा कथाता पुरातनी यणमात्रेण प्रमुच्य लक्ष्मी सरस्वती गंगातिस्रो भार्रपि प्रेमणा सामती सतत हरीसन्नौ चकार सैकदा गंगा विष्णुर्मुखनरीक्षण सस्मता चका पुनः पुनः विभुर्जहाद निरीक्ष क्षण तदा क्षमा चकार तदृष्ट् लक्ष्मीरव सरस्वती बोधयामा चम सत् सस्मृता क्रोधावीष्टाच साणी न चाता बभूव उवाच वाणी भर्ता रक्ता सेक्तलोचना क्यामेगन सस्व प्रस्फुरीताधरा सरस्वतुवाच सर्वता प्रति धर्मस्थस्य वरिष्ठस्य विपरीतकलस्य च ज्ञातं सौभाग्य अधिकं गङ्गायाम् ते गदाधरं कमलायाम् च तत् तुल्यं नचक् किञ्चन प्रभो गङ्गा या पद्मयासार्दं प्रीतिः सुसमता सुसम्मता क्षमाम् च कारते नेदम किं जीवनेन मेत्रैव दुर्बगा याश्च साप्रतं निष्फलं जीवनं तस्यायापत्यु प्रेमवञ्चिता तां सर्वे सत्म च ये वदंति मनीषिण तेज मूर्खा न वेद्याजानती मतिम तव सरस्वती व चा श्रुवा दृष्ट् तं कोपयुता मनसा चमोच्य सजगाम बहिष्सभा गारायणे गंगा उच निर्भय रूषा श्रवण श्रवण श्रवणुष्क हे निर्लज्जे हे सकामे स्वामी गर्व कौषि किं अतिकम स्वामी सौभाग्यम विज्ञापय मानचूर्ण क्या तवादरसन्नौ किं क्यों मम कावल्लभे इत मुक्ता गंगाया केश मुद्यता तुम्हत वारायास पद्मा मध्यदेशं समाश्रिता स सापवाणी पद्मा महाबलवती सती वृक्ष सरद्रूपा भविष्य न संशया विपरीत तत दृष्टि किंचिन्नो वक्तमर्हसी संतिषति सभा मध्ये यथा वृक्षो यथ सरत सा देवी न चापच कोप त्रव दुखिता तस्थौ बाणी धुत्वा करेण चसंतुष्टा तो दृष्टि कोपस्फुरीताधरां उच गा तेवीं पद्मा चा गंगोवाच तमस्रृज महोग्र चमे कितिशीला मुखुरा नष्ट वाचा लणी वागिष्ठात्रिदेवी सतत कलह प्रियाती योग्यता चाशा यती शक्ति तथा कौत वादम च मै साध चुर्मुखी सबल जन्म्बल विज्ञापय्छति जानत सर्वे हुभ प्रभाव विक्रम सती मुक्ता सा देवी शापम थी

आजगा चतुर्भुजुर्भिश्च चतुर पार्षद चतुर्भुज सरस्वती करे धृत्वा वासयामस वक्ष बोधयाम्सा सर्वजान सर्वग्या, पुरातन श्रुवा रस्यम ताप से कलहश उच दुखितास्ताच वाच सामिक बिभु श्रीभगवाच लक्ष्मी लक्ष्मी धर्मध्वज गृृहम शुभे अयोनिशम्भवा भूमौ तस्य कन्या भविष्यसि तत्रैव दैव दोषेण वृक्षत्वं च लभिष्यसि मदंसस्यासुरस्यैव शङ्खचूडस्य कामिनि भूत्वा पश्चाच्च मत्पत्नी भविष्यसि न संशया त्रैलोक्यपाविनि नाम्ना तुलसीति च भारते कलया च सरिद्भावं शीघ्रं गक्षभरानने भारतं भारती शापान्नाम्ना पद्मावती भव गङ्गेया सति पश्चात्त्वं अपि स्वपामिनि भारत भारती पापदा पापीना भगीरथ तपसा तेन नीता सुकलना नमंना भागीरथी पूता भूष्यसी महीत मदंश से जाया जामया मकलाश से भूप से सा शनु सुरी गंगाचापेन कलिया भारत गक्ष भारती कलहश पत्नीभ्यां सहाच्युते स्वयं ब्रह्मचद भव गंगाया तुभस्थान पद्मतिषत शांताच क्रोधरहिता मद्भक्ता सत्णी महासाध्वी महाभागा सुशीलाधर्मचारिणी यदंसकल्वा पतिव्रता पतिता सुशीलाश्च सुशीला प्रतिशुपूजितास्रो तिस्रो त्रो भृत्या बांधवा ध्रुव वेद विरुद्धाच निये मंगल प्रद स्त्री पुवच्च्च्च्च्च्च गृह येषा गृहिणा स्त्री वसापुमा निष्फलम च जनम तेसाम च पदे पदे मुखे दुष्टायो निदुष्टायस्य स्त्री कलहप्रिया अरण्यं तेन गन्तव्यं महारण्यं गृहाद् द्वरं जलानां च स्थलानां च फलानां प्राप्ति रेव च सततम् सुलोभा तत्र नातेसाम गृह एव च भरमग्नौ स्थितिर हिंस जंतोनाम सनिधौ सुखम् ततोपि दुःखं पुंसाम् च व्याधिज्ज्वालाभिषज्ज्वाला वरं पुंसां वरानने दुष्टस्त्रीणां मुखज्ज्वाला मरणादतिरिच्यते पुंसां च स्त्रीजितां चैव भस्मान्तं शौचिमध्रुवम् यदह्नि कुरुते कर्मनाथस्य फलभाग्भवेत् निन्दितोऽत्र परत्रैव सर्वत्र नरकं व्रजेत् यशा कीर्तिर्विहीनो यो जीवन्नपि मृतो हि सः बहवीना च सपत्नी श्रेयसे स्थित एक सुखी ना कदाचन कदचन गंगे शिवस्थान ब्रह्मस्थान सरस्वती अत्र ठत मध्ये सुशीला कमलाल सुसाध्या पत्नी चुशीला पतिव्रता ई स्वर्गे सुखम तस् धर्म मोक्षा पर्र च पतिता यनी सच मुक्ता शुचिसुखी जीवन्मृत शुचिदुखी दुशीला पति च इते भागु, इत श्री देवी इस देवी भागवते महापुराण अष्टादश सहस्राम संगीताम नम स्क लक्ष्मी गंगा सरस्वती नाम भूलोके वतरण वर्णनम नाम षष्ठोध्याय अथ सप्तमोध्याय भगवान नारायण का गंगा लक्ष्मी और सरस्वती से उनके साप की अवधि बताना तथा अपने भक्तों के महत्व का वर्णन करना श्रीनारायण उवाच इतुक्त जगताम च नारद अतीवुर्देव्या सामिंग्य परम ताश्चर्वा सलोक्य क्रमणोच स्तर कंपिता शासनेश्चोक भये न सरस्वतुवाच विशाप देनाथ सत्स्वामिना परित्यक्ता परतक्ता कीविता स्त्रि देहत्यागम करिष्यामि योगेन भारते ध्रुव अत्युन्नतो हि नेतम पातुम रहति गंगोवाच अहम् केना पराधेना तयातिकता जगत्पते देहत्यागम करिष्यामि निर्दोसाया वधं लभ निर्दोषकामिनी त्यागम करोति यो नरो भवे सयाति नरकम् घोरम् किन्तु सर्वे स्वरूपिवा पद्मोवाच नाथ सत्वस्वरूपस्तं पोपाक कथ महोत्तव प्रसादं कुरु भार्ये द्वेष सस्य क्षमा वर भारते भारते सापद यास्यामि कलया हहम कियत्कालम स्थितस्तत्र कदा द्रक्षामिते पदम दास्यन्ति पापिना पापं सद्मास्स्नाना वगाहनात् केनतेन विमुक्ताह मागमिष्यामिते पदम कलया तुलस्य रूपं धर्मद्सुतासति भुक्ता कदा लविष्यामि तद्पादां भजमचता वृक्ष रूपा भविष्यामे त्रिदेवता समुद्ररिष्यति कदा तन्मे ब्रोई कृपानि दे गङ्गासरस्वती सापाद् यदि यास्यति भूत् भारते सापेन मुक्ता पापा च कदा त्वां च लविष्यति गङ्गा सापेन वा वाणी यदि यास्यति भारतं कदा सापाद्विनिर्मुच्य लविष्यति पदं तव तां वाणीं ब्रह्मसदनं गङ्गां वासिमन्दिरं गन्तुं वदसि हेनात तत्क्षमस्वचते वचः इत्युक्त्वा कमलाकान्तपादं धृत्वा ननामसा सुखेमं कृवाद चुना पुना उवाच पद्मनाभस्थ पद्मा सुवक्षसी ईषद हाषस्य प्रसन्नाशो श्री काीभगवाच तद्वाक्यचरष्यामे स्ववाक्यं चुरे समता चल्या शृणुता कमलक्षणे भारतीया तो सदनम चरित्रूपा चारते अर्ध्रह्म मदग्रहे भगीरथन सानीता गंगा या सति भारते पूतं कर्तुं त्रिभुवनं स्वयं तिष्ठतु मद्ग्रहे तत्रैव चन्द्रमौल्यश्च मौल्यं प्राप्स्यति दुर्लभं तथा स्वभावता पूताप्यतिपूता भविष्यति कलां सांशेन गक्षत्वं भारते वा विलोचने पद्मावतीसरिद्रूपा तुलसीवृक्षरूपिणी कले पञ्चसहस्रे च गते वर्षे तु मोक्षणं युष्माकं सरितां चैव मध्ये चागमिष्यथ सम्पदा हेतुभूता च विपत्तिः सर्वदेहिनां विना विपत्तिर्महिमा केषां पद्मभवि भवेत् मन्मन्त्रोपासकानां च सतां स्नानावगाहनात् युष्माकं मोक्षणं पापात् दर्शनात् स्पर्शनात् तथा पृथिव्यां यानि तीर्थानि सन्त्यसङ्ख्यानि सुन्दरी भविष्यन्ति च भूता भविष्यन्ति च पूतानि मद्भक्तः स्पर्शदर्शनात् मन्मन्त्रोपासका विश्रमन्ति च भारते पूतं कर्तुं तारितुं च सुप सुपवित्रां वसुन्धरां मद्भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च ततस्थानं च महातीर्थं सुपवित्रं भवेद्रुवम् त्रिज्ञो गोज्ञः कृतज्ञश्च ब्रह्मज्ञो गुरुतल्पकः जीवनमुक्तो भवेत्पुतो मद्भक्त एकादशी एकादसि विहीनश्च संध्याहीनो नास्तिकः नरगाति भवेत्पुतो मद्भक्त स्पर्शदर्शनात् असीजीवीमसीजीवी धावको ग्रामयाचक भृशबाव मद्भक्तस्पर्शदर्शना विश्वासघाती मित्रो मिथ्यादायक स्थाप्याहि भूतो मद्भक्तस्पर्शदर्शनाग्रवादूस जारका पुश्चली पति पूतलीपुत्रो मद्भक्तस्पर्शदर्शना शूद्राण सूपकार देवलो ग्रामयाचक अधिकचतो भवेत् पूतो मदभक्त स्पर्शदर्शनात् पितरं मातरं भार्या भ्रातरं तनेयं सुतां गुरुकुलं च भगिनें दक् चक्षुरेण च बांदवम् स्वस्रूम च चा ससुरम चैव सुन्दरी स महापातकी पूतो मदभक्त स्पर्शदर्शनात् अश्वस्थनाशकश्चैव मदभक्त निंदकस्तथा शूद्रान्नभोजी विप्रश्च पूतो मदभक्त दीवद्रव्यापह चीप्रद्रव्यापहार लाक्षा लोहरसा चिक्रेता महापातक शूद्राण सबदादा भयरीतिपूता मद्द्भक्तस्पर्शदर्शना महालक्ष्मीवाच भक्ता ब्रूहि भक्ता तो दर्शन स्पर्शा सद्या पूता नराधमा हरिभक्तिहीनाश महाहंकार संयुता स्वप्रसंसारताधूर्ता सथाश्च साधुनिन्दका पुनन्ति सर्व तीर्थानी येषां स्नाना वगाहनात् येषां च पादरजसा पोता पादौ दकान्महि येषां संदर्शनं सरसं येवा वांचन्ति भर्ते सर्वेषां परमो लाभो वैष्णवानाम समागमः नहि मयानि तीर्थानी न देवा मृक्षिलामया ते पुनन्ते पकाने विष्णुभक्ता क्षणादहो सूत उवाच महालक्ष्मी महालक्ष्मीवचा श्रुवा लक्ष्मीकाश्च सस्मितगूढ़तत्व कथिम्रेष्ठोपचक्रे श्रीभगवाच भक्ता लक्ष्मण लक्ष्मीगूढ़ श्रुतिपुराणयो पुण्यस्वूप पापघन सुखदम भुक्तिमुक्तिदम सारभूत गोपनीय न वक्तुच्वा पवित्राणतुलल्या विष्णुमंत्रो यस कर्णे पतिष्यति वदी वेदास्थ नरोत्तम पुरुषाणां सतम पूर्वं तथा तज्जन्ममात्रतः स्वर्गस्थं नरकस्थं वा मुक्तिम् आप्नोति तत्क्षणात् यैकैश्चित् यत्र वा जन्मा लब्धं ये शुचन्तुषु जीवन्मुक्तासु ते काले यान्तिका लेहरिपदं मद्भक्तियुक्तौ मर्तश्च स मुक्तौ मद्गुणान्विता मद्गुणाधीनवृत्तिर्या कथाभीष्टश्च सन्ततं मद्गुणश्रुतिमात्रेण सानन्दा कुलकान्विता सगद्गदा सा श्रुनेत्रा च आ स्वात्मविस्मृत इव च न वाञ्छति सुखं मुक्तिं चालोक्यादिचतुष्टयं ब्रह्मत्वम् अमरत्वं वा तद्वाञ्छा मम सेवने इन्द्रत्वं च मनुत्वं च ब्रह्मत्वं च सुदुर्लभं स्वर्गराज्यादिभोगं च स्वप्नेऽपि च न वाञ्छति भ्रमन्ति भारती भक्ता तद् ऋगन्मसुदुर्लभं मद्गुणश्रवणाश्रव्यगानैर्नित्यं मुदान्विता तेजा च महें पू्वा नरतीर्थ मलय कथिमें सर्व पद्म गुर यथोचित तदा तदाया तदाजया सुखासने श्रीमद्देवी भागवते महापुराणादशा संहिताया नौम स्कंधे गंगादीना शापोदार नाम नम सप्तमोध्याय अथाष्टमोध्याय कलियुग का वर्णन परब्रह्म परमात्मा शक्ति स्वरूपा मूलक प्रकृति की कृपा से त्रिदेवों तथा देवियों के प्रभाव का वर्णन और गोलोक में राधा कृष्ण का दर्शन श्रीनारायण उवाच सरस्वती पुण्य क्षेत्र आजगामच भारत गंगा सापेन कलया स्वयं तस्थौरे पदे भारती भारत च ब्रह्मणा प्रिया वाण्यधिष्ठातृदेवी साणी प्रकीर्ति सरोप्या्रोतस्थ सर्व दृश्यते हरिस्वे तैन ना सरस्वती सरस्वती न दी सा रूपाति रूपति पापीना पापदाहाय ज्वलदग्निस्वरूपिणे पश्चाद्भागीरथी नीतामहीं भगीरथेन च सा वै जगामकलया वाणी सापेन नारद तत्रैव समहितां च दधार शिरसा शिवा वेगं सोढुमयं सक्तो भुवा प्रार्थनया विभुः पद्मा कलया सा च पद्मावती नदी भारतं भारती सापा स्वयं तस्थौ हरे पदे ततोऽन्याया सा कलया लेभे जन्म च भारते धर्मध्वस्सुता लक्ष्मीर्विख्याता तुलसीति च पुरा सरस्वती शापात्पश्चाच्च सरिशापता बभूववृक्षरूपा च कलयाभिश्वपावने कलैपञ्चसहस्रं च वर्षं स्थित्वा तु भारते जग्मुस्ताश्च सरिद्रूपं विहाय श्रीहरिपदं यानि सर्वाणि तीर्थानि काशीं वृन्दावनं विना या सार्धं ताविश्च वैकुण्ठम् आज्ञया हरि सालग्रामाशक्तिशिवौ जगन्नाथश्च भारतम् कलेर्दस्रांतिक्तायांतिज पदम साधवश्चपुराणा शखाने श्राद्धतर्पणे वेदोक्ता चर्मा ययुस्त साधमी चेबूजा दीवनाम तत्कर्तिर्गुकीर्तन वेदंगा वेदांगानि शास्त्राण सास्त्रा... युस्त साधमी चत सत्यधर्मच वेद ग्राम देवता व्रतश्चा नसन युस्त साधमी च वाचार्यरता सर्वे मिथ्या कपट संयुता तुलसी रहीता पूजा भविष्य ततापरम शटाक्रुरुरादिश्च महाहंकार संयुता चोराश्च हिंसका सर्वे भविष्य ततापरम पुसो भेद विभेदो विवाहो वापि निर्भया श्व स्वाभेदों वस्तूना भविष्य ततापर सर्वे वसगा पुंसा पुशल्य गृहे गृह तर्जनैर्सन श स्वामीन ताड़यती च्रहेशरी चृहिणी गृही वृत्कोधम चीटीदारम बध्वा शश्रूश्च श्श्रस्था कर्तालिगे योन संबंधी बांधवा विद्या संबंधी साध संभाषा नचिता लोकास्तथा पुंस बांधवा सर्वकर्मा क्षमा पुसो योजित विना ब्रह्मत्र शूद्रा जात्याचार विवर्जिता विवर्जिताध्याच यसूत्रम चवेलुक्त न संशया मिलेक्षाचारा भविष्य वर्णश मिल्लेक्षस्त्र पठिष्य स्वशास्त्र विहाय च्रह्मत्र वंशाशूद्राण से कलौ सोपकाराध वृशवाहा सर्वसा शक्ति नजना सर्वे सही नेधिनी फलहीनाश्चरवपत्तिनाश्चिता तथा गावा क्षीर सर्पि विवर्जिता दंपती प्रीति गृहिणा सत्यवर्जिता प्रतापहीनाश्च प्रजाश्च करपीडिता जलहीना महानदीर्घिका कंदरादया धर्महीना पुण्यहीन वर्णश्चार इवचा लक्ष्येशु पुण्यवान्न कोपी नषति तता परम कुत्ताकारा नरान्य बा कुर्वाता कुत्सिता शब्दो भविष्यति ततः परं केचिद् माश्च नगरा नरशून्या भयानकाः केचित् स्वल्पकुटीरेण नरेण च समन्विता अरण्यानि भविष्यन्ति ग्रामेषु नगरेषु च अरण्यवासिनः सर्वे जनाश्च करपीडिता सस्यानि च भविष्यन्ति तडागेषु नदीषु च प्रकृष्टवंशजाहिना भविष्यन्ति कलौयुगे अलीकवादिनो धूर्ता सत्यवादिनः क्षेत्राणि चेत्राणी सस्य हनानादीना प्रकृष्टा धनिनो देंता नास्ति का हिंसकाश्च दया हिना पौराश नरघाति वामना व्यायुक्ता नरान सर्वत स्वल्पायुषोगधायुक्ता यौवनैरिहिता कलौ पलिता षोडशे वर्षे महावृद्धाश विशतौ अष्टर्षा चुतिरजो युक्ता गर्भिणी वत्सरात प्रसूता स्त्रीषोडशे चरान्वित पतिपुत्रवती काचिच सर्वा बंदा कलौयुगे कन्या विक्रयण सर्वण चार इवृजाया वधूना चारूपेता भक्ष कन्याना भगनी जोजीविना हरेर्नाम विक्रयण भविष्य कलौयुगे स्वयं उत्सृजदीर्तिवर्धनहेतव तथा पश्चास्वधन चयुल्लघयिष्य देवृत्ति ब्रह्मवृत्तिम वृत्तिम गुरकुच्वत्ता परदत्ताल्लिष्यति कन्यागा केचि केचिच्च्वश्रुगान केचिवधूगा केचिवैसर्वगा भगिनीगा केचि सपत्नी मातृगातृजायागा भविष्य कलव युगे अगम्यागमनमच्य गृहे गृह मातृयोनिं परित्यज्यभिहृश्भिहरिष्यन्ति सर्वतः पत्नीनां निर्णयो नास्ति भ्रातॄणां च कलौयुगे प्रजानां चैव च विशेषतः अलीकवादिनः सर्वे सर्वे चौराश्चलं पटा परस्परं हिंसकाश्च सर्वे च निर्घातिनः ब्रह्मक्षत्रभिसामंसा भविष्यन्ति च पापिनः लाक्षालोहरसानां च व्यापारं लवणस्य च वृषवाः भिप्रवंशा शूद्राणां च उदाहिनः शूद्रा भोजिना सर्वे सर्वे चृसलीरता पंच यज्ञ विहीना कुहुरात्रौ च भोजिन यज्ञसूत्र विहीना संध्यासौ च विहीन का पुश्चलिवाधुषा जीवा कुट्टनी च रजस्वला विप्राण नागारी भविष्यति चपाचिका पाचि अन्ना नियमो नस्ती योनीना च विशेषता आश्रमा जनाना सर्वे मिलेक्षाकलौ युगे एवं कलौस प्रवृत्व हस्त प्रमाणे वृक्षे अंगुष्ठे चुमे विप्र विष्णु युत्र कल्कि भविष्य नारायणकलाश्च भगवान्लिनाबर दीर्घेण करबा दीर्घो कर दीर घटक घोटकवाहन लक्षशूनिया पृथ्वी त्रिरात्रे क्यूलेक्षा वसुधा कृत्च क्यारजकाच वसुधा दस्युग्रस्ता भाई स्थूला प्रमाण षड्रात्र वर्षधारा प्लुता मही लोकशूनिया वृक्षशूनिया ग्रहशून्य भविष्यति ततच द्वादादी कष्युद्युद अयम मुने प्राप्नती सुस्कता पृथ्वी सेजसा कलौगते चुर्धर्षे प्रवृत्ते चलेते युगे तपसत्वसमुक्त तो धर्मा पूर्णो भविष्य तपस्व ब्राह्मणा भुवि पतिवृताश धर्मीषा योजित गृह गृह राजत्रिया सर्वे विप्रभक्ता मन प्रतापवर्ो धर्मिष्ठा पुण्यकर्मरता सदा वैश्यवाणिज्य वैश्यावाणिज्य निरताभक्ता धाका शूद्राश्च्यशीलाश्चर्मीषा विप्रसेना विपक्षत्रिवसा भी देवीभक्तिपरायण देवी देवी मंत्रता सर्वे देवी देवीध्यान पाण श्रुतिस्मृतिपुराणा पुवांसारृतिगास्ते धर्म से पूर्णोधर्मा कृति युगे धर्मस्त्रिपाच त्रेतायां द्विपाच्य द्वापरेतता कलौ वृत्ते च कपाश्च सर्वलुक् तिस तथा परं वारा सप्त तथा विप्राति तया षोडसस्मृता तथा द्वादस समास आचारितवश्च षडेवच द्वोपक्षौ चैने द्वे च चतुर्वि प्रहरैर्दिनं चतुर्वि प्रहरै रात्रिं वर्षं पंचविधं केयं कालसंख्या यथा चायांति यान्ति वा यथा युग चतुष्टयम् वर्षे पूर्णे नराणां च देवानां च दिवादिशं सतत्रये षष्ठ्यधिके नराणां च युगे गते देवानां च युगं कालसंख्या विदां मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानां एक सप्तते मन्वन्तर समं गेयमायुष्यं च सचिपते अष्टाविंशति मे चेन्द्रे गते ब्रह्मा दिवानिशं वर्षे गते पातश्च ब्रह्मणः लाकृते यस्त्र दृष्टा वसुंधरा जलप्लुताश्वा ब्रह्म विष्णु विष्णुशिवादया ऋषि न सर्वे लीना सत्ते चिदात्मने त्रवा प्रकृतिलीना त्राकृति ले लाकृति के जाते पाते च्रह्मणो मुने निम कालश्चेव्या प्रोच्यते मुं नश्य सर्वाण ब्रह्म्यखिला चमेषा काल न पुना सृष्टिक्रमेण चविधा सृष्टिलिवा कति कल्प आगता याताख्यां जाना सृष्टि चेहाँ च्रह्मांडा चारद ब्रह्वादीना च ब्रह्मांड सख्याति का पुमा ब्रह्मांडा का सर्वेशाईरश्चक सह सर्वेशा पच्चिदनंदप्रृक ब्रह्मदयचा त महाराट तस्याच विराट शु शुद्र सवेय प्रकृति प्रकृतिपरा तस्यासकासा संजातो परधनारिश्वरस्ततःैव कृष्णो द्विधाभूतो द्विभुज जश्च चतुर्भुजा चतुर्भुजश्च वैकुंठे गोलोके द्विभुजास्यम ब्रह्मादि त्रण पर्यंतं सर्वं प्राकृतिकं भवेत् यद्यत् प्राकृतिकं सृष्टं सर्वं न स्वर्मेव च एवम विधं सृष्टेतुं सत्यं नित्यं सनातनं शिक्षामयं परमब्रह्म निर्गुणं प्रकते परम्

सच्चिदानंदरूपिणे यज्ञानाद्यस्य तपसा यद्भक्त्या सेवया सावित्री देव माता वेदा सा च वेदाधिष्ठा त्रिदेवता पूज्या द्विजानां वेदज्ञा यज्ञानाद्यस्य सेवया सर्वविद्यादिदेवी सा पूज्या च विदुषां परा यस्सेवया यत्तपसा सर्वविश्वेषु पूजिता सर्वग्रामादिदेवी सा सर्वसम्पत्प्रदायिनी सर्वेश्वरी सर्ववन्द्या सर्वेषां पुत्रदायिनी सर्वस्तुता च सर्वज्ञा सर्वदुर्गार्तिनाशिनि कृष्णवामां च सम्भूता कृष्णप्राणाधिदेवता कृष्णप्राणाधिका प्रेम्णा राधिका शक्तिसेवया सर्वाधिकं च रूपं च चौभग सौभग्यं मानगौरवे कृष्णवक्षस्थलस्थानं पत्नीत्वे प्रापं सेवया तपश्चकारसा पूर्वं सत्सङ्गे च पर्वते पर्वते दिव्यवर्षहस्रं च पतिं प्राप्त्यर्थमेव च जाते शक्ति प्रसादे तो दृष्टि चंद्रकलोपक्षस्थले कृत कृपया विभो वरम तस्दुसारम सर्वेशापुर्लभ मम बक्षले मम भक्ता शाश्वती सौभाग्य मनन प्रेमनाथ गौरवण चमे श्रेष्ठा च्येषा चेषी सर्वोषिता वरिष्ठा चरिष्ठा चुता पूजिता मैया तव साध्यो वश्य प्राणवल्लभे तो जगन्नाथ चकार ललना तत ता, सपत्ताम तां चकार प्राणवल्लभांता ता पूजिता शक्ति से तपस्तु यादृश या सांृिता दृक्फल मुने दिव्यवरसहस्रम चपस्त हिमाचले दुर्गा चत्पम ध्याज्या बभूव सरस्वती तपस्तप्ता पर्वते गन्धमादने लक्षवर्षं च दिव्यं च सर्ववन्द्या बभूवसा लक्ष्मीर्युगशतं दिव्यं तपस्तप्त्वा च पुष्करे सर्वसम्पत्प्रदात्री च जाता देवीनिषैवणात् सावित्रिमलये तप्त्वा पूज्या वन्द्या बभूवसा षष्टिवर्षसहस्रं च दिव्यं ध्यात्वा च तत्पदं शतमन्वन्तरं तप्तं शङ्करेण पुरा विभो शतमन्वन्तरं वेदं ब्रह्मा शक्तिं जापः सतमन्वंतरम विष्णु तप्तापाता बहुवः दशमन्वंतरम तप्ता श्रीकृष्णा परमं तपा गोलोक गोलोकं प्राप्त वान्ति दिव्यं मोदतेद्य ApiException दशमन्वंतरम धर्म तप्ता वै भक्त संयुता सर्वप्राणा सर्वपूज्या तर्वा धारो बहुवः दिव्याश्च तपसा सर्वे देवाश्च पूजिता मुनयो मनभो भूपा ब्राह्मणाश्चैव पूजिता एवम ते कथितं सर्वपुराणं गुरुवक्ता ज्ञात किं भूया श्रोतमीक्षसी श्रीमद्देवी भगवती महापुराणे अष्टादसा संगीता नमस्क नारायण नारद संवाद कलिमहात्मनाष्टम श्रीजगदंबापण वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस चैनल से इस चैनल पर अपने मित्रों को भी जोड़ें और अगला वीडियो आपको तुरंत तत्काल प्राप्त हो इसके लिए घंटी वाले निशान का स्पर्श करें धर्म के कार्य में पुण्य के कार्य में जो भी भाग लेता है उसको भी उसी फल की प्राप्ति होती है जो पाठ करने वाले को फल की प्राप्ति होती है इसलिए इस धर्म के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करके और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें आगे बढ़ाएं और नित्य प्रति आप अपने अपने घरों में इसका एक वीडियो अवश्य श्रवण किया करें यह है नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है सभी प्रकार के जो अशुभ हैं इससे नष्ट हो जाते हैं श्री जगदम्बिका नमः